उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों में लगातार तांडव मचा रही है। उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर नदियां उफान पर हैं, लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी बारिश का तांडव देखा जा सकता है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर जनता पर और मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। देखिए इस पर हमारे खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार पड़ रही बारिश ने तबाही का रूप धारण कर लिया है। उत्तराखंड में जगह जगह पर तबाही के नजारे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लोग ढेला की तबाही से खौफजदा है। मौसम के अलर्ट होने के बाद यहाँ के लोग सारी सारी रात जाग कर गुजारने को मजबूर हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, बस्ती में ढेला किनारे बसने वाले लोगों में से लगभग आधा दर्जन के आशियानों को इस नदी ने मलबे की शक्ल में तब्दील कर दिया है और एक दर्जन से अधिक मकानों की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। जीर्णोद्वार ऐसे नजर आ रहे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। इन मकानों को कब ढेला नदी निगल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही नहीं, नदी ने आज एक मंदिर को भी अपने आगोश में ले लिया है। ढेला नदी के इस रूप को देखकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग लगातार जिम्मेदार अधिकारियों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हमारा मकान भी खतरे में है, हमारे घर वाले बीमार पड़े हैं, उन्हें कहाँ लेके जाएंगे उठा कर, तो उनसे चला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सभी परेशान है, रात को नींद भी नहीं आती। लगातार खतरा मंडरा रहा है आपके सरों पर, अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या अधिकारी आपको कोई किसी तरीके की क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा अधिकारी, कहाँ कर रहा है? कोई आते नहीं रहे हैं। हाँ, कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे? लगातार खतरा में लगातार खतरा है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, रात भर सोने रहे लोग डर के मारे यहाँ, और लगातार जैसे नुकसान इतना हो रहा है लोगों का, बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। पत्थर डाल दिए हैं, ये लड़क जा रहे हैं, काम खत्म, कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। मेरे साहब आए थे, वो भी अच्छे चले गए। मैंने सब लोगों से संपर्क रखा है, आ रहे हैं लोग, आश्वासन देकर जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तीन दिन से तो कोई काम हो नहीं रहा, अब कर वो क्या, भाज पड़ रही है, मजदूर आदमी कैसे घुसेगा अंदर, सबको अपनी अपनी जान का खतरा है। वही दूसरी ओर काशीपुर एक प्रोग्राम में पहुंचे राज्य मंत्री अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब से इस बात को लेकर जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि काशीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। लोगों के हुए नुकसान का आकलन और सूची बनाई जा रही है, उसमें काशीपुर के भी लोग शामिल हैं। जल्द ही ऐसे सभी परिवारों को दोबारा बसाने की सरकार की कोशिशें हैं। तो अभी मेरे सामने एक मामला आया, ढेला पुल के कोई है मामला, जहाँ 6 मकान टूटे हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, सरकार सबके साथ एक सा व्यवहार करेगी, और जो मुआवजा सरकार का तय है जिला अधिकारी और SDM की रिपोर्ट पर, हम अभी SDM साहब से बात करेंगे, और इसको हमारे सामने मामला आया है, इसका निस्तारण होगा। एक तरफ कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक मकान को अपने आगोश में ढेला नदी ले रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी आक्रोश बना हुआ है। कुदरत की मार झेल रहे पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं है, एक के बाद एक आशियाना खत्म होता हुआ जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कोई मसीहा बनकर इन लोगों की मदद के लिए आगे आता है, या फिर वे बारिश के कर से एक के बाद एक नेस्तनाबूद हो जाते हैं। अब देखना और समझना होगा जिन लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन लोगों को सरकार की तरफ से मदद कब और कैसे मिलती है। अब देखना और समझना होगा जिस तरह से मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है, उसके बाद और कितना नुकसान होगा। अब देखना ये भी होगा पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में और कितना तांडव मचाता है। ऐसे कई तमाम सवाल हैं वहां पर रहने वाले उन लोगों के मन में, लेकिन इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है।